हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा हेयर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी एच यू पैलसेला। ये हमारा करंट अफेयर का वीडियो, और इस वीडियो में हम अप्रैल 2021 के सभी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये सभी सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट है, सो आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। एंड येस, वीडियो आपको वॉच करनी है एंड देन फॉर रिविजन आपको करंट अफेयर की PDF फाइल ऐप पर मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको रिवाइज कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया गया है? देखिए, वर्ल्ड होम्योपैथी डे हर साल जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इस साल भी 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भारतीय रेलवे जोन पूरी तरह विद्युतीकृत होने वाला पहला रेलवे जोन बन गया है? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का कौन सा रेलवे जोन जो है कम्प्लीटली इलेक्ट्रिफाइड हो गया है। ठीक है, तो देखिए, जो पश्चिमी मध्य रेलवे देश है ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रिफाइड हो गया है, और ये ऐसा पहला रेलवे जोन है जो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिफाइड हुआ है। ओके, पश्चिमी मध्य रेलवे जोन जो है ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रिफाइड हो गया है, और ये ऐसा पहला रेलवे जोन है भारत का जो कि कम्प्लीटली इलेक्ट्रिफाइड हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे बात हमने इंडियन रेलवे की कर ली है, भारतीय रेलवे। देखिए, इसकी स्थापना आपकी हुई है 16 अप्रैल 1853 में। इसका मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में है, और अगर बात करें हम CEO की, प्रेजेंट में कौन CEO हैं, तो वो हैं सुनीत शर्मा जी। सुनीत शर्मा जी हैं इंडियन रेलवे के वर्तमान में CEO। और अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे मैं करती हूँ, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री, इनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ओके, सो वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माई मदर माई हीरो पुस्तक लॉन्च हुई, यह पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, यह पुस्तक जो है आपकी अच्युता सामवंत जी के द्वारा लिखी गई है। माई मदर माई हीरो पुस्तक अच्युता सामवंत जी के द्वारा लिखी गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघों को निलंबित कर दिया है? देखिए, फीफा का फुल फॉर्म आपको पहले मैं बताती हूँ, होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का फुल फॉर्म आपका होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ओके, अब देखिए, ये जो फीफा है आपकी, विश्व में आपके जितने भी फुटबॉल मैचेस होते हैं, राइट, विश्व में आपके जितने भी फुटबॉल मैचेस होते हैं उन सबको जो है ये फीफा रेगुलेट करता है, राइट। अब इस फीफा ने जो है हाल ही में पाकिस्तान के फुटबॉल संघों को निलंबित कर दिया है। ओके, पाकिस्तान के फुटबॉल संघों को निलंबित कर दिया है फीफा ने, राइट। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, यहाँ पे मैंने जो है फीफा की बात की थी, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस एसोसिएशन का जो है आपका, कब इसकी स्थापना हुई थी? तो देखिए, इसकी स्थापना आपकी 21 मई 1904 में इसकी स्थापना हुई है, और इसका मुख्यालय आपका जो है ज्यूरिक में, इसका मुख्यालय जो है आपका कहाँ पर है, ज्यूरिक में है, ठीक है। और ये ज्यूरिक कहाँ पड़ता है, स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। देखिए, आपके जो भी एसोसिएशंस हैं, ओके, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी स्थापना कब हुई और इनका मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, फीफा का जो है स्थापना 21 मई 1904 में हुआ है, और इसका मुख्यालय ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में है। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, मैं आपको ऑलवेज कहती हूँ, जो आपके आवाज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें लर्न कर लीजिए। जस्ट यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021, इससे रुमाना सिन्हा सहगल जी को सम्मानित किया गया है, क्लियर। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर इंजन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी को विकसित किसने किया है? देखिए, हेलीकॉप्टर इंजन के लिए जो है आपका सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी, ये DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। अब DRDO क्या है, इसका फुल फॉर्म आपका होते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में अगर मैं बात करूँ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? DRDO की स्थापना आपकी हुई है
देखिए 1938 में, ठीक है, 1938 में इसका स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है वो आपका है न्यू दिल्ली में, इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और अध्यक्ष वर्तमान में अगर मैं बात करूँ अध्यक्ष की, तो DRDO के अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी जी, ठीक है, जी सतीश रेड्डी जी वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है। स्थापना 1958 में हुई है, 38 में नहीं, मैंने यहाँ पर गलत बताया आपको, 1958 में हुई है, आप करेक्ट कीजिए, 1958 में DRDO की स्थापना हुई है। ओके, और इसका मुख्यालय है आपका न्यू दिल्ली में। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने बच्चों के पाठ्यक्रम में भारत और रामायण को शामिल किया है? देखिए सऊदी अरब ने, सऊदी अरब ने स्कूलों में महाभारत और रामायण को शामिल किया है। ओके, सऊदी अरब। अब देखिए बात सऊदी अरब कंट्री की हो रही है, थोड़ा सा देखते हैं इसको। सऊदी अरब जो है आपका ये एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। सऊदी अरब का जो कैपिटल है वो है आपका रियाद, ठीक है, और इसकी जो करेंसी है वो है आपकी सऊदी रियाल। सऊदी अरब की जो करेंसी है वो है सऊदी रियाल। अब देखिए किसी भी कंट्री के बारे में आपको इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, उसका कैपिटल कहाँ पर है, उसकी करेंसी क्या है। यहाँ पे आपको सॉरी सऊदी अरब का बताया ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ, यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर, यूनिसेफ क्या होता है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म देख लीजिए। यूनिसेफ का फुल फॉर्म आपका होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। अगर हिंदी की बात करें, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ये है आपका यूनिसेफ का फुल फॉर्म। अब ये जो आपका यूनिसेफ है इसकी स्थापना कब हुई थी, पहले हम देख लेते हैं। इसकी स्थापना 11 दिसंबर को हुई है, 11 दिसंबर 1946, ठीक है। मुख्यालय आपका है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। और इन प्रेजेंट यूनिसेफ की अध्यक्ष, यूनिसेफ की अध्यक्ष हैं आपके हेनरिटा फॉर्जी, हेनरिटा फॉर्जी, ठीक है। ये था आपका यूनिसेफ के बारे में। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर, गुडविल एम्बेसडर डेविड बैकहम को बनाया गया है, गुडविल एम्बेसडर डेविड बैकहम को बनाया गया है, क्लियर। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। नाउ हमारा नेक्स्ट है, अमेरिका का 51वां राज्य कौन सा बना है? देखिए अमेरिका की बात है इसीलिए आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। अमेरिका का 51वां राज्य वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी जो है ये अमेरिका का 51वां राज्य बन गया है, 51वां राज्य, ठीक है। अब देखिए बात हमने की है अमेरिका कंट्री की, तो अमेरिका कंट्री आपका जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, राइट, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और देखिए इसका जो कैपिटल है आपका, अमेरिका का कैपिटल वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी अमेरिका का कैपिटल है। और अगर मैं बात करूँ अमेरिका की करेंसी की, आप लोगों को पता होगा अमेरिका की करेंसी है अमेरिकी डॉलर, डॉलर, राइट, आप लोगों को पता होगा डॉलर की करेंसी है। ओके, और अगर मैं बात कर दूँ अमेरिका के फ़िलहाल में राष्ट्रपति कौन है, तो आप मुझे बताएंगे जो बाइडेन। अमेरिका के राष्ट्रपति फ़िलहाल में कौन है, जो बाइडेन है। ओके, इसके पहले कौन थे, इसके पहले आपके डोनाल्ड ट्रम्प जी थे, क्लियर। अब ये जो जो बाइडेन है, ये जो बने हैं राष्ट्रपति, ये कौन से नंबर के, देखिए ये भी आपको ध्यान रखना है, ये 46वें, 46वें, 46, ठीक है, 46वें राष्ट्रपति है जो बाइडेन अमेरिका के। अब देखिए उपराष्ट्रपति कौन है, काफ़ी चर्चे में रही है उपराष्ट्रपति भी अमेरिका की, वो हैं आपकी कमला हैरिस जी, कमला हैरिस जी, क्लियर। अमेरिका का 51वां राज्य वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी ही अमेरिका का कैपिटल भी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? देखिए वर्ल्ड मलेरिया डे जो है आपका हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस ईयर भी 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे बनाया गया। अब यहाँ पे 2021 की थीम क्या रखी गई, वर्ल्ड मलेरिया डे में 2021 की थीम क्या थी, रीचिंग द जीरो मलेरिया, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, ये है 2021 वर्ल्ड मलेरिया डे की थीम, ठीक
ठीक है, 2021 वर्ल्ड मलेरिया डे की थीम है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। देखिए आपको जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उनकी डेट्स एंड प्लस में 2021 में, ओके 2021 मीन्स कहने का ये है कि अभी प्रेजेंट वाले ईयर में जब सेलिब्रेट किया गया तो उसकी थीम क्या रखी गई, ये आपको लर्न होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट है 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2021, कॉमनवेल्थ 2022, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा? देखिए इसका आयोजन जो है आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में होने वाला है। ओके वेल, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर मैं बात करूँ राष्ट्रमंडल खेल की, राष्ट्रमंडल खेल की, तो इसके स्टार्टिंग जो है अभी कनाडा से हुई थी 1930 में, जो है कनाडा से इसकी स्टार्टिंग हुई राष्ट्रमंडल खेल की, ठीक है। देखिए ये जो है अगर मैं बात करूँ कि पहला गेम राष्ट्रमंडल का पहला गेम जो है कब हुआ था, पहला गेम जो है ये आपका हैमिल्टन में हुआ था, ठीक है, कनाडा में हैमिल्टन में हुआ था, ठीक है। और जो ये आपका राष्ट्रमंडल खेल है ये 1930 में हुआ था एंड अभी जो है 22वां होने जा रहा है आपका, ठीक है, 2022 में। तो देखिए ये हर साल जो है ना आपका नहीं होता है, ये हर साल 4 साल के बाद होता है, ठीक है, हर 4 साल के बाद होता है ये, ठीक है। देखिए अभी 22वां आपका हो रहा है 2022 में, इसके पहले 21वां जो है आपका 2018 में हुआ था, उसके बाद ये 4 साल पे फिर अगेन 2022 में हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस नेशनल पंचायत डे कब मनाया गया है? देखिए नेशनल पंचायत डे जो है आपका 24 अप्रैल को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है और इस ईयर भी 24 अप्रैल को नेशनल पंचायत डे मनाया गया है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, देखिए अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, क्लोए झा को जो है, क्लोए झा को ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है, क्लियर। वेल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीन ने अपने पहले मंगल मार्स रोवर को क्या नाम दिया है? देखिए चीन ने अपने पहले मंगल मार्स रोवर को झुरोंग नाम दिया है, झुरोंग झुरोंग नाम दिया है, ठीक है, चीन ने पहले मंगल मार्स रोवर को झुरोंग नाम दिया है। यहाँ पे बात चीन की है तो मैं आपको बता दूँ, तो चीन आपका एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है, आपको पता ही होगा, इसका कैपिटल आपका बीजिंग है, बीजिंग चीनी कैपिटल जो है आपकी बीजिंग है, करेंसी आपकी जो है यहाँ की रेनमिनबी है, करेंसी रेनमिनबी है चीन की, ओके। और वर्तमान में जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो हैं आपके सी जिनपिंग जी, ठीक है। वेल इतनी चीज़ें आपको कंट्री के बारे में पता होनी चाहिए, कैपिटल करेंसी और आपकी आसपास की कंट्री है तो उसके प्रेसिडेंट कौन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में कौन सा देश फर्स्ट पर रहा है, मतलब कहने का है कौन सा देश शीर्ष पर रहा है लिस्ट में। देखिए इस इंडेक्स में शीर्ष पर जो है 2021 में स्वीडन रहा है, स्वीडन स्वीडन कंट्री जो है शीर्ष पर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर लो इंडिया का कौन सा पोजीशन है, तो इंडिया का जो है आपका 115th पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पे स्वीडन है और इंडिया का 115th पोजीशन है। किसी भी इंडेक्स में आपको दो चीज़ें लर्न करनी होती हैं, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री है या फिर कौन सा स्टेट है, और आपके इंडिया का अगर कंट्री की बात हो रही है तो फिर आपके इंडिया का कौन सा पोजीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहले इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत की पहले इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये आपके भारत के कर्नाटक राज्य में स्थापित किया जाएगा, कर्नाटक, ओके। कर्नाटक का कैपिटल है आपका बेंगलुरु, ओके। वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं आपके BS येदुरप्पा जी और वर्तमान में गवर्नर हैं आपकी वजुभाई वाला जी, कर्नाटक के वर्तमान में गवर्नर वजुभाई वाला जी हैं, चीफ मिनिस्टर आपके BS येदुरप्पा जी हैं और कैपिटल आपकी कर्नाटक की है बेंगलुरु में। कर्नाटक में भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को स्थापित किया जाएगा। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में बेस्ट बैंक अवार्ड्स द्वारा किस बैंक को इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 से सम्मानित किया गया है? इंडिया
बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 से किस बैंक को सम्मानित किया गया है? DBS बैंक। DBS बैंक को एशिया में बेस्ट बैंक अवार्ड द्वारा बैंक ऑफ इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 से DBS को सम्मानित किया गया है, DBS बैंक को। अब DBS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है आपका डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसकी स्थापना आपकी हुई है 16 जुलाई 1968 में। DBS की स्थापना 16 जुलाई 1968 में हुई है, और DBS का जो आपका मुख्यालय है वो है आपका सिंगापुर में। सिंगापुर में इसका मुख्यालय पड़ता है, DBS, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख, डिप्टी चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी कौन बने हैं? भारतीय सेना के नए उप प्रमुख, ओके, कौन बने हैं? ये आपके बने हैं उपेंद्र द्विवेदी जी। उपेंद्र द्विवेदी जी, क्लियर? नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने जहां झुग्गी वहीं मकान योजना को शुरू किया है? किस राज्य की सरकार ने जहां झुग्गी वहीं मकान योजना को शुरू किया है? देखिए, जहां झुग्गी वहीं मकान योजना को दिल्ली राज्य सरकार ने शुरू किया है। दिल्ली राज्य सरकार ने, दिल्ली की राज्य सरकार ने जहां झुग्गी वहीं मकान योजना को शुरू किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? देखिए, नॉर्वे, नॉर्वे कंट्री जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में फर्स्ट पोजीशन पर रही है। अब बात करते हैं हम इंडिया की कौन सी पोजीशन है, तो इसमें इंडिया की पोजीशन आपकी 142वीं है, 142nd है, ठीक है, 142वीं पोजीशन है इंडिया की। इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री है और इंडिया की पोजीशन क्या है, ये आपको लर्न होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब मनाया गया, कब मनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब मनाया गया है? ये आपका 12 अप्रैल को, ओके, 12 अप्रैल को मनाया गया है, क्लियर? नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टीका उत्सव 2021 कब से कब तक मनाया गया? टीका उत्सव, ओके, टीका उत्सव 2021 भारत में कब से कब तक मनाया गया? तो 11 अप्रैल टू 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया गया। 11 अप्रैल टू 14 अप्रैल तक जो है आपका टीका उत्सव मनाया गया, अभी फिलहाल आपको टीका लग भी रहे हैं, ओके। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को अमेरिकी पुलिस सॉरी किस भारतीय को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है? किस भारतीय को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है? ये हरेंद्र सिंह जी को, हरेंद्र सिंह जी को भारतीय, ये जो है भारतीय हैं और इन्हें अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SS आवास 2021 में इंडिविजुअल ओलंपिक स्पोर्ट्स श्रेणी में स्पोर्ट्समैन ऑफ द डिकेड अवार्ड, स्पोर्ट्समैन ऑफ द डिकेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? किसने जीता है यह अवार्ड? देखिए, ये अवार्ड जीता गया है, सॉरी मैंने यहाँ पे इसका आंसर ही नहीं लिखा है, ये जीता गया है, आप इसे टाइप कर लोगे, MC मैरी कॉम के द्वारा, ठीक है, MC मैरी कॉम ने स्पोर्ट्समैन ऑफ द डिकेड अवार्ड जीता है, ठीक है। SS अवार्ड 2021 में इंडिविजुअल ओलंपिक स्पोर्ट्स श्रेणी में स्पोर्ट्समैन ऑफ द डिकेड अवार्ड MC मैरी कॉम ने जीता है, MC मैरी कॉम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता, सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता को लागू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? मतलब ये कहने का, किस देश में जो है क्या सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है, ओके, सबसे पहली बार? तो ये है आपका सिंगापुर, सिंगापुर में जो है आपका सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता लागू किया गया है, और ये ऐसा पहला देश है जहाँ पर ये लागू किया गया है, सिंगापुर, ओके। अब देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है RCEP, ठीक है, सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता, इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में अगर मैं आपको बताऊँ, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने फिल्म स्टार सोनू सूद को कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किस राज्य की सरकार ने फिल्म स्टार सोनू सूद को कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है?
देखिए, पंजाब की राज्य सरकार ने सोनू सूद को, जिनको आपको पता है सोनू सूद एक फिल्म स्टार है, इन्हें टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर पंजाब राज्य सरकार ने बनाया है। सोनू सूद जी का नाम आपने बिल्कुल ही सुना होगा, आप एक स्टूडेंट हैं तो भी। ओके वेल, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 से दुती चंद जी को सम्मानित किया गया है, दुती चंद जी को। ओके वेल, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने गगनयान मिशन में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? भारत ने गगनयान मिशन में सहयोग के लिए, गगनयान मिशन के सहयोग के लिए किस देश का समझौता किया है? तो ये किया है फ्रांस के साथ, फ्रांस के साथ समझौता किया है। ठीक है, गगनयान मिशन में जो है फ्रांस सहयोग करेगा, ऐसा समझौता हुआ है। वेल, हमारा जो फ्रांस है वो किस कॉन्टिनेंट में है? आपका ये जो फ्रांस है, फर्स्ट आप देखिए इसकी कैपिटल जो है आपकी पेरिस है, फ्रांस की कैपिटल आपकी पेरिस है। करेंसी जो है इसकी आपकी होती है यूरो। ठीक है, फ्रांस की जो करेंसी आपकी यूरो होती है। और सो आपको कंट्री के बारे में, उसका कैपिटल और करेंसी पता होना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसिक स्वास्थ्य के लिए गाइड करने के लिहाज से हेल्थ ऐप मानस को किसने लॉन्च किया है? मानसिक स्वास्थ्य के लिए गाइड करने के लिए लिहाज से हेल्थ ऐप मानस जो है, कैसा ऐप है? हेल्थ ऐप है, किसने लॉन्च किया है? कृष्णा स्वामी विजय राघवन जी ने, कृष्णा स्वामी विजय राघवन जी के द्वारा मानस ऐप जो है लॉन्च किया गया है। मानस ऐप कैसा ऐप है ये भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है डायरेक्ट, ये एक हेल्थ ऐप है। मानस का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मली ऑगमेंटेशन सिस्टम। ओके, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट यूएनईपीए के द्वारा, ठीक है, यूएनईपीए के द्वारा जारी की गई है। यूएनईपीए, इसका फुल फॉर्म आपका होता है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, इसके द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 जारी की गई है। ठीक है, जब इस रिपोर्ट को जारी किया गया उस टाइम इसकी थीम आपकी रखी गई थी माई बॉडी इज माई ऑन, माई बॉडी इज माई ऑन थीम रख करके, और यूएनईपी का जो है स्टेट, यूएनईपीए ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट को जारी की है। वेल, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वॉइस डे हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है। 2021 में भी 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे मनाया गया, और यहाँ पर इसकी थीम रखी गई 2021 में वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस, वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस 2021 वर्ल्ड वॉइस डे की थीम रही है। वेल, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? यहाँ पे क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, तो ये आपका यूएनईपीए के द्वारा जारी की गई है। मैंने आपको पहले भी बताया यूएनईपीए का फुल फॉर्म आपका होता है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? किस देश की भारतीय महिला, सॉरी भारतीय नहीं है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने, महिला क्रिकेट टीम ने लगातार सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है आपकी ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम, ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के लिए नए महानिदेशक कौन बने हैं? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के नए महानिदेशक, नए डीजी कौन बने हैं? वो बने हैं आपके सिद्धार्थ सिंह लोहनजम जी, सिद्धार्थ सिंह लोहंगम जी जो हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के नए डीजी बने हैं। वेल, यहाँ पे अगर आपको मैं बता दूँ, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा का जो है स्थापना कब हुआ? देखिए, इस एजेंसी की स्थापना आपकी 24 नवंबर 2005 में हुई है। ठीक है, इसका मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में है, और इसका जो मोटो है, ये जो आपकी एजेंसी, इसका मेन मोटो क्या है? तो प्ले फेयर, कहने का मतलब है कि कोई भी खेल को अच्छे से खेला जाए। ठीक है, इस नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का यही मेन मोटो है, और इसी मोटो से 24 नवंबर 2005 में इस एजेंसी को बनाया गया। वर्तमान में यहाँ के डीजी जो हैं आपके सिद्धार्थ सिंह लोभम जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2021, ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2021 को
अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा जारी किया गया है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अप्रैल 2021 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? 14 अप्रैल 2021 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती जो है मनाई गई है। ओके, आपको याद रखना है। वेल, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की, एक सेकेंड, किस देश में चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के बढ़ते तनाव पर ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है? चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के बढ़ते तनाव पर ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021 अमेरिका के द्वारा जारी किया गया है, अमेरिका के द्वारा। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोवा के नए गवर्नर कौन बने हैं? गोवा के नए गवर्नर कौन बने हैं? देखिए, आपके जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ओके, आपके जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो आपके यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन है, गोवा के नए गवर्नर बने हैं सुनी अरोड़ा जी। ओके, वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यूपी पीसीएस के नए अध्यक्ष जो हैं, यूपी पीसीएस के नए अध्यक्ष संजय श्रीनेत जी को बनाया गया है। संजय श्रीनेत जी को यूपी पीसीएस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड लीवर डे विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेल्ली पासवर्ड इंडेक्स 2021 ग्लोबल रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो देखिए, हेल्ली पासवर्ड इंडेक्स 2021 में जो है जापान कंट्री जो है हमारी, ये शीर्ष पर रही है, मतलब जापान लिस्ट में सबसे फर्स्ट पर रहा है। अब यहाँ पर इंडिया की कौन सी पोजीशन है? देखिए, इंडिया की 84th पोजीशन है। ठीक है, आपको पता है इंडेक्स में आपको लर्न करना होता है फर्स्ट पोजीशन पर कौन सी कंट्री है या स्टेट है एंड इंडिया की क्या पोजीशन है, अगर हमने बात कंट्री की है तो। वेल, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को कहाँ से कहाँ तक शुरू किया है? रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक शुरू किया है? मुंबई से विशाखापट्टनम तक पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये शुरू की गई है रेल मंत्रालय जी के द्वारा। ठीक है, वेल, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की स्पेस एजेंसी के इंजेनिटी मार्स हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर अपनी पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है? किस देश की स्पेस एजेंसी ने इंजेन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर अपनी पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है? तो ये है अमेरिका की एजेंसी। ठीक है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी की इंजेन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर अपनी पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है, अमेरिका है। ओके, वेल, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आसानी से लागू करने के लिए सार्थक योजना को किसने लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल निशंक जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आसानी से लागू करने के लिए सार्थक योजना को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाफ्टा अवार्ड्स 2021 बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? बाफ्टा अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? नोमैडलैंड फिल्म को। ठीक है, नोमैडलैंड फिल्म जो है इसे बाफ्टा अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। वेल, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है और इस ईयर भी 11 अप्रैल को मनाया गया है। अब यहाँ पे 2021 में इसकी थीम क्या रखी गई है? स्टे एट होम ड्यूरिंग कोरोना वायरस, कीप मदर्स एंड न्यू बॉर्न सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। 2021 में नेशनल सेफ मदरहुड डे की थीम रखी गई है स्टे एट होम ड्यूरिंग कोरोना वायरस, कीप मदर एंड न्यू बॉर्न सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। थीम आपको याद रखनी होती है। ओके, वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? देखिए, इसमें पहले स्थान पर स्वीडन रहा है, इस इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है स्वीडन। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर आपका स्वीडन रहा है और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया 49वें पोजीशन पर है, इंडिया का पोजीशन 49वां है। ठीक है,
वेल हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2021 कब मनाया गया है? वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जो है देखिए आपका 17 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाया जाता है। 2021 में इसकी थीम रखी गई है एडॉप्टिंग टू चेंज, एडॉप्टिंग टू चेंज, ओके, एडॉप्टिंग टू चेंज थीम, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2021 की थीम जो कि 17 अप्रैल को मनाई गई है, एडॉप्टिंग टू चेंज। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? ये भारत और किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान दो देशों के बीच खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। ठीक है, खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। यहाँ पे एक्चुअली क्रिकेट है आपका, मिस टाइप हो गया, आप उसे सही कर लीजिए, ठीक है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स एंड मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, यह किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? ये सुरेश रैना जी की, सुरेश रैना जी जो कि एक प्लेयर हैं और उन्हीं की आत्मकथा है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। वेल नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कजाकिस्तान, कजाकिस्तान में किया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? देखिए इसका आयोजन जो है आपका न्यू दिल्ली में किया गया, न्यू दिल्ली में भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन 2021 का जो आयोजन है वो न्यू दिल्ली में हुआ। अगर मैं बात करूँ भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन की स्थापना की, तो इसकी स्थापना आपकी हुई है 8 अक्टूबर 1932 में, ठीक है। इसका मुख्यालय है आपका न्यू दिल्ली में, मुख्यालय हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और हाँ, आप मुझे बताइए वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस, कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन, वायुसेना दिवस आपका मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, ओके। वेल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2021 में आई कोरोना की दूसरी लहर से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? 2021 में आई कोरोना की दूसरी लहर, सेकेंड वेव कोरोना की, मुक्त होने वाला दूसरा दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? मतलब ठीक है, इसराइल, जो इसराइल है आपका, इसराइल जो आपकी कंट्री है, ये 2021 में जो दूसरी लहर आई कोरोना की उससे मुक्त होने वाला पहला देश बन चुका है। वेल इसराइल आपका जो है एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है, इसकी कैपिटल आपकी जेरूसलम है, इसराइल की कैपिटल जो है आपकी जेरूसलम है, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, करेंसी जो है इसराइली सेकेल, इसराइली सेकेल, इसराइली सेकेल इसराइल की जो है करेंसी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल सिविल सर्विस डे, इम्पॉर्टेंट, नेशनल सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को, नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को ईच ईयर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 2021 में थीम क्या रखी गई पृथ्वी दिवस की? रीस्टोर आवर अर्थ, ठीक है। 2021 की थीम है पृथ्वी दिवस की रीस्टोर आवर अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? देखिए ये जारी किया गया है WMO के द्वारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा, WMO के द्वारा, ठीक है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी किया गया है, आपको याद रखना है। वेल हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? न्यूजीलैंड की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैं बताऊँ इसका कैपिटल जो है आपका वेलिंगटन, न्यूजीलैंड का कैपिटल है आपका वेलिंगटन, करेंसी है आपकी न्यूजीलैंड डॉलर, और वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है? ई पंचायत पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश ने जीता है, उत्तर प्रदेश राज्य ने जीता है। चलिए हमने बात की है यूपी की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करके बताइए यूपी का कैपिटल कहाँ है, यूपी के वर्तमान में सीएम कौन है, यूपी के वर्तमान में गवर्नर कौन है, और यूपी के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। इस स्टेट के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो ऑफकोर्स होनी चाहिए, इवन आपको सभी स्टेट्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसका कैपिटल, उसके चीफ,
आई मीन चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है। ओके वेल, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर रिचर्ड अवार्ड से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? सर रिचर्ड अवार्ड से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? केन विलियमसन को सर रिचर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये कौन है? ये एक क्रिकेटर है, ठीक है, क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया गया है? देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज डे हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस ईयर भी 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया है। 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम रही है कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइव ऑफ फ्यूचर। वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021 जो कि 18 अप्रैल को मनाया गया, इसकी थीम रही है। वेल, ये थे हमारे अप्रैल 2021 मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होप आप सभी को समझ में आए होंगे। बट इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, देन जस्ट कमेंट इन कमेंट सेक्शन। एंड यस, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस किए, उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ओके, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।